तो हनुमान का टीजर आ चुका है। जब से आदिपुरुष का टीजर आया है उसके बाद से जो है प्रशांत वर्मा की यूनिवर्स की आने वाली फिल्म हनुमान का टीजर को लॉन्च करने की डेट के बारे में बात किया जा रहा था, जो फाइनली आ चुका है, जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और वहीं बात आदिपुरुष के टीजर को गालियाँ लग दी जा रही है। तो हनुमान का टीजर आ चुका है जिसके बहुत सारे रिव्यू मैंने खुद देखे हैं, आपने भी देख लिए होंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हनुमान के टीजर को जो लोग हैं उनसे दूर रहो, जो इस टीजर को भी डायरेक्ट हनुमान नाम को छोड़ के हनुमान बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रहो, ऐसे लोगों से इनको वीडियो से दूर रहो भाई। पता नहीं कैसे लोग हैं साक्षात डायरेक्ट हनुमान लिखा उसको भी हनुमान बोल रहे हैं भाई। आप देख रहे हो पोस्टर पर हनुमान जी है, टीजर में हनुमान जी, उसके बाद भी आप उसको हनुमान बोल रहे हो। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। और मैंने कई सारे और रिव्यूअर्स को देखा, कई सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि हनुमान जी का क्या पावर लेवल्स है उनका, हल्क से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले अगर आप सनातन को जानते हो तो इन सबसे तो दूर ही रहना, क्योंकि हनुमान जी के अतुलित बल को कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता। उन पर इतना अपार बल है कि वो स्वयं ही नहीं जानते कि उनके पास कितना बल है। तो इनसे तो दूर रहो कि जो कंपैरिजन करते हैं हल्क से हनुमान जी का, फिर जो सुपर हीरो से उनसे, तो इनसे तो दूर ही रहना चाहिए बिल्कुल। और मैंने कई सारे रिव्यू देखे जी जहाँ कहा जा रहा है कि हनुमान जी इतने बलशाली थे, हनुमान जी जो है उनके रख रतन यहाँ रखा गया था वो ऐसे थे। तो सबसे पहली बात थे नहीं, वो हैं बे। हनुमान जी जो है सब चिरंजीवियों में से एक हैं, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त, जो कि आज भी हमारे इस धरती पर विचरते हैं, जिनके नाम लेने मात्र से आज भी हमारे संकट दूर हो जाते हैं। जब डर लगता है तो हमें सिर्फ वहीं याद आते हैं। तो जो सप्त चिरंजीवियों से एक है, जो परम बलशाली श्री हनुमान जी हैं, वो आज भी इस धरती पर हैं। उन्हें थे करके उनका अपमान ना कि नहीं किया जाना चाहिए। तो और रही बात हनुमान की टीज़र की, तो बहुत सारे लोग इसका रिव्यू कर चुके हैं और टीज़र जो है बहुत ही बढ़िया आया है, क्योंकि इसका बजट जो है 12 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था, कई लोग इसका 300 करोड़ भी बता रहे हैं बजट। हालांकि जो फिल्म है इसका बजट सच में कम ही रखा गया है, जो कि 20 से 22 करोड़ भी होगा तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि इस फिल्म के जो मेकर्स है वो जो है अपनी पिछली फिल्मों को जो है अधिक बजट के साथ नहीं बनाए थे, उनका जो बजट है वो सीमित ही रहता है, सीमित बजट के साथ वो एक अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। जो कि प्रशांत वर्मा अपना यूनिवर्स बना रहे हैं उसमें जो हनुमान जो पहली फिल्म है, इसके बाद अधीरा फिल्म आने वाली है। तो हनुमान के टीज़र को देखने साथ तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि देखिए आप टीज़र में ही जो तेज सज्जा का जो लुक रखा गया है, जो मीनाक्षी का इंट्रो रखा गया है, जो अंजनमा का जो इंट्रो रखा गया है, तो इस तरह से पूरा हमारे जो सनातन संस्कृति है उसको अच्छे से उभार के दिखाया जा रहा है, उसको अच्छा खासा निखरते हुए हमारे स्क्रीन पर दिखने वाला है। तो हनुमान का टीज़र तो बहुत ही अच्छा वेलमेड था, जिसको लोगों के द्वारा बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन लोगों के बीच ये बात भी चल रही है कि मीनाक्षी का जो करेक्टर है उसको जो है तेज सज्जा के लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाया जाएगा, लेकिन क्योंकि हनुमान जी तो हमारे ब्रह्मचारी हैं तो इस तरह से उनके अपोजिट में किसी फीमेल लीड को कास्ट नहीं किया जाना चाहिए था। तो टीज़र को देखते ही बहुत सारे नोटिसेबल पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे, जैसे तेज सज्जा को जो है हनुमान जी के रक्त रतन से पावर मिलने वाली, जो कि समुद्र के अंदर है, यहाँ तक कि मीनाक्षी के कैरेक्टर जो है फीमेल लेड के रूप में तो दिख ही रही हैं, और साथ साथ अंजना जो है इनकी माता के रूप में दिखेंगी, जो कि अंजनी माता के नाम से उनका नाम को भी लिया गया है। तो इस प्रकार से सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी होने वाली है होती है। तो देखते हैं कि हनुमान का ट्रेलर कब आता है और इसके बारे में और क्या क्या डिटेल निकल के आता है। और हम यही चाहते हैं कि सनातन के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना किया जाए, हनुमान जी के जो चरित्र है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, और जो भी दिखाया जाए वो अच्छे से दिखाया जाए। और ये साउथ इंडस्ट्री तेलुगु इंडस्ट्री से फिल्म है तो इससे अच्छा खासा उम्मीद भी किया जा रहा है। तो क्या आपने हनुमान का टीज़र देखा, और देखा तो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।